हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेस्ट कॉलेजेस, कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस, फीस, सब्जेक्ट्स, जॉब्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इस कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या बात है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम्हें ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स है एंड इस कोर्स को करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए और 12th में कम से कम 55% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए। अगर इस कोर्स की फीस की बात करें तो 50,000 इंडियन रुपीज टू 200,000 है। अब मैं तुम्हें टॉप कॉलेजेस भी बताता हूँ। JMI न्यू दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, फर्गसन कॉलेज पुणे, ETC मेरे ख्याल से ए बेस्ट कॉलेजेस है। अब इसके सब्जेक्ट्स भी जान लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, ETC ए इसके सब्जेक्ट्स है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। कोर्स करने के बाद जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स करने के बाद बायोकेमिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ETC आपको जॉब्स मिलेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जॉब तो मिल गई, सैलरी कितनी मिलेगी वो भी बताता हूँ। 3 लाख से 8 लाख इसकी एवरेज एनुअल सैलरी है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किसे करना चाहिए? बीएससी बायोटेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो आनुवंशिकी में रुचि रखते हैं, उन्हें इस विषय में करियर के रूप में अपनाना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में करियर के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट्स शोध के प्रति उत्साही हैं, वो इस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट पौधों और जानवरों की आनुवंशिक सामग्री को बदलने पर काम करता है ताकि उत्पादन, भोजन और जीवन स्तर बढ़े। जो स्टूडेंट्स खाद्य सुरक्षा पर काम करना चाहते हैं, वे इस कोर्स में रुचि ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स दवाओं और टीकों को विकसित करने के लिए उत्साहित हैं, वे इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। जो स्टूडेंट कामकाजी पेशेवर हैं, वो पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कब करना चाहिए? मेरे ख्याल से 12th के बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना बेस्ट रहेगा। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बेनिफिट्स देखें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करियर का एक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 3 इयर्स का कोर्स है एंड इसकी सैलरी भी बताई, तो मेरे ख्याल से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम्हें बीएससी IT, बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम चेक कर सकते हो। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।